कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता था कि ये गांधीवादी विचारधारा पार्टी है, यहाँ पर सभी काम शांति से किए जाते हैं। वहीं गांधी जी ने भी अपने सभी सत्याग्रह शांतिपूर्ण तरीके से किए थे, लेकिन नव निर्वाचित कांग्रेस के मंत्रियों को यह बात नहीं पता, या तो वे भूल गए। अभी ताजा मामला सामने आया है श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच एक कार्यक्रम में कहा कि जो भी कर्मचारी काम ना करे उसमें जूते लगाओ, वहीं अगर कुछ होता है तो मैं देख लूंगा। मंत्री महोदय यह भूल गए कि वे कांग्रेस पार्टी के मंत्री हैं, जहां पर गांधीवादी तरीके से किया जाता है काम, ना कि मारपीट से। जब कोई से काम नहीं चला तो जूतन से काम होता, जब कोई से काम नहीं चला तो जूतन से काम होता, जब कोई से काम नहीं चला तो जूतन से काम होता। अब जो देखो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही देगा ये। चलो हटा इसको। वहीं ये बयान देकर उन्होंने सुर्खियां तो बटोर ली, वहीं कार्यकर्ताओं की वाहवाही भी बटोर ली, लेकिन समस्या पर है कि क्या इससे कानून व्यवस्था सुचारू रूप से हो पाएगी, और एक क्या मंत्री होने के बाद आपको ये दंभ हो गया कि आप किसी को भी किसी भी व्यक्ति से जूते पड़वा सकते हैं और बाद में बचा भी लेंगे। कोई पंजीयन का शुल्क नहीं लगना, कोई मांगे चार जूता दो मामा, बाकी मैंने पटवा। समझ गए आप, जब कोई से काम नहीं चला तो जूतन से काम होता। वही मंत्री महोदय से हमारा ये सवाल है कि जो अधिकारी कर्मचारी पढ़ाई लिखाई कर कर नौकरी करता है, क्या वे इसलिए करता है कि आम लोगों के जूते खाए? कई मंत्री सरकारों में देखे गए हैं जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, क्या इस तरह की बात कहना आपको शोभा देता है? वहीं उन अधिकारी और कर्मचारियों पर क्या बीतेगी जब सरेआम उनके साथ कोई भी मारपीट करने लगेगा और बचाने के लिए आप खड़े रहेंगे? बता दें कि बमोरी विधायक एवं श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया झागर में एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। वहीं हमारे संवाददाता ने जब इस बात की रिकॉर्डिंग की तो उसके ऊपर भी दबाव बनाया गया कि इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दे, जिसकी बात आप इस वीडियो में साफ सुन सकते हैं। अरे तू पहले जा डिलीट कर दे दादा, अब जो देखो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही देगा ये। कोई मांगे चार जूता दो मामा, बाकी मैंने पटवा। समझ गए आप, जब कोई से काम नहीं चला तो जूतन से काम होता है।